हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे स्काई लैम्प कैसे उड़ाते हैं। इसके ऊपर वैसे रूल्स लिखे होते हैं, चाइनीज़ है, एक साइड इंग्लिश लिखी होती है कि इसको खुली जगह में उड़ाना चाहिए, जहाँ पेड़ ना हो या तारे ना हो, लेकिन तंग जगह में उड़ाना चाहिए इसको। ज़्यादातर तो छत पे उड़ाना चाहिए या खुली जगह पे ग्राउंड में उड़ाना चाहिए। इसको स्काई लैम्प कहते हैं, हम स्काई लैम्प कहते हैं, कई डोले कहते हैं, कई इसको किंदाल कहते हैं, कई इसको क्या कुछ को कहा जाता है, आई डोंट नो, जो आता है वो कहो। अब हम बताएंगे इसको उड़ाते कैसे हैं, ठीक है। सबसे पहले इसको पॉलीथीन को निकाल लेते हैं पॉलीथीन से, और ये होती हैं मुश्की कपूर, मोम की डब्बी। मेन तो ये मुश्की कपूर ही होती है और मोम भी होती है, वैसे ये मिलाया मिक्स किया होता है। इसको इसके बीच में रखे हमने आग लगानी होती है, बड़ा आसान है। इसको हम बताते हैं, इसको ध्यान से खोला होता है, अगर ये पेपर फट जाता है तो गैस अच्छे से बन नहीं पाती, गैस बनने के कारण वो उड़ नहीं पाता प्रॉपर। हम आपको बताएंगे ये प्रॉपर कैसे उड़ता है, प्रॉपर दिखाएंगे उड़ा के। इसको अच्छे से खोलना, आराम से खोलना, कोई जल्दबाजी नहीं है। इसको आराम से खोल लिया, पूरा सीधा कर लिया, ये हमने इसको प्रॉपर सीधा कर लिया है, ऐसा यहाँ से भी चिपका हुआ है ये। इसको धीरे धीरे अलग कर लो, एकदम धीरे से। अगर ये फट जाता है तो गैस बनने में थोड़ी दिक्कत करता है, अदरवाइज़ फटने का कोई दिक्कत नहीं होती, थोड़ी सी टेप लगा दो तो सही हो जाता है। इसको खोल लो, थोड़ा जल्दी करते हैं ताकि आपको भी ज़्यादा देखने का वो ना हो। इसको धीरे धीरे बस खोल लो। क्या करते हैं, कई ले लेते हैं, उनको उड़ाना नहीं आता तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है। मैंने एक दो बार देखा कि हमारे पड़ोस में किसी ने लिया था, उसको उड़ाना नहीं आया, तो फिर वो बुलाते मुझे हमें, तो इसलिए हम उनको बता नहीं सकते। तो वहीं से मेरे दिमाग में आया कि हम एक बार वीडियो बना के यूट्यूब पर डाल दें। वैसे काफ़ी वीडियो है, पर फिर भी बस इसको ऐसे खोल के हल्की सी इसमें हवा भरने में ताकि ये अच्छे से खुल जाए। अब ये प्रॉपर अच्छे से तैयार हो चुका है। हमने क्या करना है, ये चार तारों के बीच में सेंटर में, जैसे ये लूपी सी बना रखी है, इसमें क्या करना है, मोम सेंटर में रख देना है। ये जो मोम की टिक्की है, ये इसको हम मुश्किल कपूर भी होती है वैसे, पर ये फिलहाल मोम की टिक्की है। इसको हमने निकाल लिया और इसमें शेद ऑलरेडी होता है, बस इसमें हल्का सा इसको डिप करके इसको राउंड कर देना हमें, बस उसी से ये खुल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमने इसको डिप कर दिया, ये होगी डिप, डिप हो गई है। इसको हमने प्रॉपर करने की जरूरत नहीं है, इसको बस हल्का सा ऐसे। अब हम इसको आग लगा देंगे, मेरे फ्रेंड मेरे साथ है मेरी हेल्प करने के लिए। आग लगाइए ब्रदर, इसको आग लगा देंगे, इसको धीरे से ये आग लगा दी। ये याद रखना कि जब हम आग लगाते हैं कहीं से कागज़ जल ना जाए, ठीक है फ्रेंड्स, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है। कागज़ फटाना हो, अगर फट भी जाता है तो हल्की सी टेप लगा दो जहाँ से उसकी गैस बाहर ना निकले। ये जलने में थोड़ा टाइम ले लेता है कभी कभी, ये जल चुका है, ये जल चुका है, अब जलने में एक दो मिनट ले लेता है, तो ये ऐसे अब चलेगा। अभी उंगल पर यार, ये देख रहे हो आप, ऐसे धीरे धीरे आग बढ़ रही है, ये आग बढ़ रही है। अब तो हवा भी अच्छी है, आराम से मतलब हवा बंद है। अगर चाहे तेज़ हवा हो तो इसको चलाने में थोड़ा रिस्क रहता है, क्योंकि तो ये पूरा अच्छे से तैयार हो चुका है। देखो मैंने ऊपर से छोड़ दिया है, इसमें हवा बढ़ चुकी है। अब जिन से दो या तीन सेकेंड है, इसको छोड़ के देख लेना, अगर नीचे जा रहा है तो ये उड़ने के लिए तैयार नहीं है। अभी हवा बढ़ रही है, ये आप देख सकते हो, ये नीचे से प्रॉपर हवा भर रहा है, अभी गैस भर रही है इसमें। ये गैस भर जाएगा तो ये अपने आप ऑटोमेटिक ही उड़ जाएगा, धीरे धीरे उड़ेगा। इसको धीरे धीरे छोड़ना है, एकदम नहीं छोड़ना कि छोड़ा इसको सीधा नीचे गिर गया। इसकी अगर ये बाई चांस आपके पास मोम ना हो, मुश्की कपूर रख सकते हो आप, या इसके नीचे कोई भी आप कागज़ या लीर मिट्टी का तेल डाल के रख दो, वो आग जितनी जल्दी आग बनेगी, जितना धुआं इसमें बनेगा उतना ही जल्दी। अब ये उड़ने के लिए मुझे लगता है ये तैयार है, हाँ ये प्रॉपर तैयार है। अब हम इसको उड़ा रहे हैं, उड़ाने के लिए क्या करना है, कुछ छोड़ देना बस इसको। ये खुशी के दिनों में बढ़ते जाते हैं, ये देखो धीरे धीरे अपने आप ऊपर चला गया, मैंने इसको छोड़ दिया, ये ऊपर चला गया। आप देख सकते हो ये काफ़ी ऊपर तक जाएगा, जब तक ये आग चलती रहेगी, आग चलने के बाद भी ये काफ़ी ऊपर जाएगा। आप देख सकते हो इसको अच्छे से, ये कितनी ऊपर जा रहा है वो देखो फ्रेंड्स, कितना ऊपर जा चुका है ये, बस ऐसे ये ऊपर जाता रहेगा।